हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ खतरों के खिलाड़ी चैनल का नाम चेंज नहीं हुआ है बट आज का जो वीडियो है इट इज फॉर पीपल हु आर खतरों के खिलाड़ी बिकॉज टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट फाइव यूनिक लेयरिंग कॉम्बिनेशन विच आर डिफरेंट विच आर स्ट्रॉन्ग जो आप तभी कर सकते हैं अगर आप एक ओ जी एक्सपीरियंसड स्किन केयर यूजर हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीटली वीडियो को स्किप कर दीजिए कोई और जाके वीडियो देख लीजिए दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू बिकॉज आई एम गो नॉक अबाउट फाइव कॉम्बिनेशन जो देंगे आपको ग्लास स्किन लेकिन है थोड़े से रिस्की इन्हें कम रिस्की कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन सिंप्लीफाइड मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन केयर बेस्ट एन उट ओके okay. अगर आपके चेहरे पे है टेक्सचर अब टेक्सचर क्या होता है टेक्सचर दो तरीके का होता है नंबर वन लार्ज ओपन पोर्स टेक्सचर नंबर टू आपके चेहरे पे बम्पीनेस है मतलब एक्ने आया तो था निकला नहीं थोड़ा सा रह गया अब आपका चेहरा कुछ इस तरह से ऊपर नीचे है यू हैव और और मतलब और भी आपको इसके साथ साथ कोमोडोनल एक्ने है यानी वैसा एक्ने जिसका व्हाइट हेड नहीं निकलता जो यूजुअली स्किन के स्किन के ऊपर से बाहर नहीं निकलता लेकिन आपके चेहरे पे रह जाता है ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन या ये कोई एक चीज भी आपको देता है टेक्सचर ये लेयरिंग कॉम्बिनेशन है आपके लिए वेरी केयरफुल्पाइसी इट इज अमेजिंग बट लेनेशन बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन पांचों में से कोई भी अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप करेंगे patch test. Patch test कैसे करते हैं 200 करोड़ बार बता चुकी हूँ फिर से बताती हूँ आपकी जो स्किन का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है यहाँ यानी गर्दन का ये हिस्सा क्लीन मतलब डबल क्लेंस किया आपका क्लीन ड्राई एरिया है इसपे आप लगाएंगे ये कॉम्बिनेशन और सो जाएंगे अगले दिन देखेंगे कोई इरिटेशन तो नहीं हुई कोई रेडनेस तो नहीं हुई यहाँ नहीं करना है तो ये वाला हिस्सा इज बेसिकली योर आर्म इस हिस्से पे भी आप ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं बट इफेक्टिवली इधर करें एंड सी कि अगर आपको कोई रेडनेस इरिटेशन इचिंग इस तरह की कोई चीज नहीं होती है तो अगले दिन फिर ये लेयरिंग कॉम्बिनेशन शुरू करें नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एक्ने कोमोडोनल एक्ने टेक्सचर्ड स्किन बम्पी स्किन ये है आपका लेयरिंग कॉम्बिनेशन अभी तक आपने मेरे बहुत रूटीन में कहीं से भी आपने देखा होगा एसिड पहले लगाएंगे फिर नायामाइड लगाएंगे करेंगे आप हफ्ते में दो बार लेकिन उनमें से एक रात को आप ये नायामाइड सैलिसिलिक एसिड ना करके आप करेंगे सैलिसिलिक एसिड टू परसेंट प्लस एजलिक एसिड फाइव परसेंट या टेन परसेंट यूजली एजलिक एसिड आपको मोस्टली टेन परसेंट में ही मिलेगा इन दोनों चीजों को आप लेयर करेंगे अंडर आई नोज का साइड लिप्स के साइड इसे अवॉइड करेंगे इसे आप लगाएंगे दो से तीन ड्रॉप हाफ अ ड्रॉप चेहरे पे अगर नेक पे भी एक्ने आता है नेक पे टेक्सचर है तो नेक तक एक्सटेंड करेंगे वेट करेंगे कि वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद पी साइज अमाउंट azidom 10% ऑर्डरी एजलिक एसिड सस्पेंशन इनकी लिस्ट एजलिक एसिड एजलिक एसिड किसी भी ब्रांड का इसके ऊपर लगाएंगे फिर वेट करेंगे कि वो ऑब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर ये कॉम्बिनेशन आपके कोमोडोल एक्ने टेक्सचर, हर चीज को कंप्लीटली क्लियर आउट करेगा सूट ये आपको तभी करेगा अगर आपको एसिड और से कोई एलर्जी नहीं है तो पहले आपने रूटीन में इन्हें इंडिविजुअली लगा के देखें सब सही चल रहा है देन यू कंबाइन इट जिन को डीप टेक्सचर है जिन जिन के चेहरे पे बहुत स्टबन कोमोडोनल एक्ने हैं वो बम्पी स्किन जो जा ही नहीं रहा दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ

5% लैक्टिक एसिड सेरम या 10% लैक्टिक एसिड सेरम उसके ऊपर जब वो चेहरे पे ठीक से अब्जॉर्ब हो जाए उसके ऊपर आप लगाएंगे अपने रेटनॉल क्रीम या रेटनॉल सेरम ट्रेटनोइन को आप नहीं लगाएंगे ट्रेटनोइन सुपर स्ट्रॉन्ग है लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड किसी के साथ भी इरिटेट करके आपके स्किन पे हंड्रेड पीलिंग, इरिटेशन, रेडनेस देगी ही तो अगर आप एक ट्रेटनॉइन यूजर हैं, तो भी लाइक like जब मुझे करंटली कर काफी टाइम से खत्म होने वाला है इज द सेट संडे रायली ए प्लस रेटनॉल सेरम आप कोई भी रेटनॉल सेरम या रेटनॉल क्रीम लगा सकते हैं ये कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया था विद द फॉक्सटेल ओवरनाइट ग्लो सेरम जो uh, चार बार नहीं करना है अगर आप हफ्ते में दो बार तो भी आपको इसे दो बार नहीं करना है ये सारे यूनिक पावर पैक्ट कॉम्बिनेशन है इसे आप सिर्फ हफ्ते में एक बार करेंगे बहुत आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है रिस्की है, मैक्सिमम हफ्ते में दो बार लेकिन कंजेक्टिव नाइट्स पे नहीं यानी मंडे फिर ट्यूसडे नहीं अगर मंडे को किया तो तीन चार दिन का गैप देके फ्राइडे सैटरडे दे को करें बट आइडियल आइडियल है कि इस तरह के स्पाइसी खतरनाक कॉम्बिनेशन आप सिर्फ हफ्ते में एक बार करें एच यानी लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड को रेटिनॉल के साथ कंबाइन करना इज फैबुलस करनाज ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है और जो दूसरा प्रोडक्ट है आपके स्किन सेल टर्नओवर पे काम कर रहा है एक्सफोलिएटेड स्किन पे रेटिनॉल बेटर पेनिट्रेट करती है और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या स्लाइटली सेंसिटिव है लाइक आई सेड दिस इज खतरों के खिलाड़ी योर स्किन हैज टू हैव सम एक्सपीरियंस यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस टू ट्राई है Ultra super spicy combinations. So, this our combination number two lactic acid or yeah, glycolic acid, basically AHA with retinol. Combination number three for all my beauties who are struggling with melasma. हाइपोपिगमेंटेशन छाइयां किसी भी तरह के पैचेस डार्क स्पॉट्स भले आपको एक्ने मार्क्स हैं इन सारे के सारे रूटीन्स में हफ्ते में तीन बार आपके पास होता है रेटिनॉल रेटिनॉल इज अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन या होगा रेटिनॉल या होगा ट्रेटिनोइन अब रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन के साथ आप लेयर करेंगे कोजिक एसिड क्रीम इसमें मैं वीडियो बना चुकी हूं टॉप थ्री क्रीम्स फॉर मिलाजमा एंड हाइपर अगर आपने मिस कर दी थी तो उसको जाके जरूर देखिए मैंने रेकमेंड की थी डॉक्टर शेथ की कोजिक एसिड एंड केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जिसे आप लेयर कर सकते हैं विद रेटनॉल यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि रेटनॉल के साथ आप टू कोजिक एसिड सेरम लगाएं या आप 2, uh, कोई भी हाई कॉन्सेंट्रेशन कोजिक एसिड क्रीम लगाएं प्रोडक्ट है केसर क्रीम, इसमें सो डिपेंडिंग ऑन यर स्किन टाइप ज्यादा ड्राई है नॉर्मल टू ड्राई है क्रीम यूज करें क्रीम तो मैंने लास्ट ईयर एक्सटेंसिवली टेस्ट आउट करी थी अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तो आप दो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं हफ्ते में दो बार तीन बार चार बार जितनी बार भी आप रेटनॉल यूज करें मेलाजमा एंड हाइपर पिगमेंटेशन के रूटीन में उसे लेयर करें विध योर कोजिक एसिड क्रीम लो कॉन्सेंट्रेशन इमोलियंट फॉर्मुला प्लस रेटनॉल विल गिव यू बूस्टेड रेडियंस आपका रूटीन बेटर काम करेगा फास्टर काम करेगा तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन नंबर तीन स्पाइसी नहीं है क्योंकि यहां हमने को एक कोजिक तो बहुत सेफ कॉम्बिनेशन है ये खतरों के खिलाड़ी वाला कॉम्बिनेशन नहीं है बट द फर्स्ट टू वन दे आर स्पाइसी बेटर बी केयरफुल अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन नंबर चार पे

लेकिन ये कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत बहुत ड्राइंग इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बाद एक बहुत हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जैसे सेरामाइड मॉइस्चराइजेशन मॉइस्चराइजर Nevia, इस तरह की कोई हैवी क्रीम लगाएं क्योंकि मोस्ट केसेस पे ये बहुत कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को आप यूज करेंगे, uh, uh, कि करेंगे किया तो रिएक्शन ड्राइनेस रेडनेस फीलिंग बहुत कुछ हो सकता है

एंड रेटनॉल एंड क्रीम आप कर सकते हैं हफ्ते में तीन से चार बार अब मुझे बट डू अच टेस्ट एवरीबडी स्किन इज यूनिक काफी सारी चीजें हैं काफी सारे कॉम्बिनेशन हैं जो मेरी स्किन भी टॉलरेट नहीं कर सकती एंड यू ऑल नो आईव बिन यूजिंग एक्टिव फॉर द लास्ट सेवन एट ईयर इतने सारे प्रोडक्ट्स में लगा चुकी हूं अब तक तो मेरी स्किन को ऐसे स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था पर ऐसे नहीं होता स्किन है इट्स अ लिविंग ऑर्गन हर किसी की स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करती है इसलिए मैं हर कॉम्बिनेशन के पहले और बाद में कह रही हूँ पैच टेस्ट पैच टेस्ट पैच टेस्ट ट्रांसमिक एसिड अंडर फाइव परसेंट होना चाहिए यानी पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेटनॉल होना चाहिए ट्रेटनॉइन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर आप कोजिक एसिड लगा सकते हैं ये एक बहुत पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन है करें आप सिर्फ तभी अगर आपको मिलाजमा है या हाइपर पिगमेंटेशन है ये सोच के मत करें कि स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी मैं एक शेड ज्यादा गोरी हो जाऊंगी ऑल ऑफ द सिली थिंग्स डोंट वर्क सो डोंट डू इट दिस इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ओनली एंड ओनली इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद हाइपर पिगमेंटेशन मिलाजमा या पी आई एच यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है एक्ने के बाद तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन नंबर चार और कॉम्बिनेशन नंबर पांच जो एक्चुअली खतरों के खिलाड़ी लेवल का नहीं है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप तब कर सकते हैं जितनी बार भी आप ए एच ए बीएचए लगाए यानी अगर आप लगाते हैं सालसलिक एसिड हफ्ते में एक से दो बार लेयर करें उसे नाय के साथ Fabulous for your open pores, fabulous for your texture. अगर आप लगाते हैं लैक्टिक एसिड हफ्ते में एक से दो बार या ग्लाइकोलिक एसिड एक से दो बार उसे भी लेयर करें अपने के साथ. जो एक सीनेमाइट मैं काफी लगा रही थी लास्ट फ्यू मंथ मिनिमलिस्ट एच ए बी एच ए

केसर एंड कोर्जिक एसिड क्रीम ये भी मच हर कोई कर सकता है लेकिन जो पहले तीन कॉम्बिनेशन थे सालसलिक एसिड प्लस एसलिक एसिड एक्ने प्रोन स्किन के लिए रेटनॉल प्लस लैक्टिक एसिड इज इफ यू आर लुकिंग एट दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ रेट यू नो ग्लो एंड ऑल ऑफ दोजिंग ब्यूटिफुल इफेक्ट दैट इज समिंग यू विल डू वंस अ वीक एंड उसके अलावा

गिव अ ट्राई टू दीज रूटीन और अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में एक एक करके मैं इन चीजों को कैसे लेयर करती हूँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बना के लेट मी नो इन द कॉमेंट देन आई विल शेयर इट विद यू मतलब पांचों के रूटीन पे पांच वीडियो बनाऊंगी मैंक्स्ट वीक सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू वॉन्ट टू सी दीज स्पेसिफिक लेयरिंग कॉम्बिनेशन इन अडियो आई मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज अदरवाइज आई सी यू विदिफरेंट वीडियो टूमोरो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिलेक ग्रेट केयर ऑफ यूर सेल्फ बाय